यूनियन काउंसिल नंबर 185 धनोला में हाजी अरशद अली सनम पीपी 97 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में साबक सूबाई वजीर हाजी मोहम्मद अजमल चीमा के बड़े सपोर्टर बन गए। पूरे इलाका में हाजी मोहम्मद अजमल चीमा की इलेक्शन मुहिम की फ्लेक्सिस अवेजा करा दी। धनोला का सबसे बड़ा जलसा हाजी मोहम्मद अजमल चीमा की हमायत में 12 जुलाई को हाजी अरशद अली सनम चेयरमैन सनम ग्रुप की रहायशगाह पर होने जा रहा है, जिसकी तैयारियाँ जोरों शोर से जारी है। चेयरमैन सनम ग्रुप हाजी अरशद अली सनम से खसूसी गुफ्तगू हुई, आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, आप अली गौर ऑफिशियल देख रहे हैं और मैं इस वक्त पीपी 97 में मौजूद हूं, जहां एक तगड़ा इलेक्शन जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें हाजी मोहम्मद अजमल चीमा जो कि सबका वजीर भी हैं वो इस वक्त इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, और दूसरी जानब अली अफजल सही हैं। मैं आपको आगाह करूं कि इस वक्त मैं धनोला में मौजूद हूं, जहां चेयरमैन सनम ग्रुप हाजी अरशद अली सनम की जानब से वाज़े अंदाज में हाजी मोहम्मद अजमल चीमा की हमायत का ऐलान किया गया और उनके साथ जो है इस इलेक्शन को भरपूर अंदाज में लड़ने जा रहे हैं। मैं आपको ये भी आगाह करूँ कि धनोला में एक बड़ा जलसा हाजी मोहम्मद अजमल चीमा की हमायत में होने जा रहा है। हमारे साथ चेयरमैन सनम ग्रुप हाजी अरशद अली सनम मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ऐसे ये बताइएगा, आपने अपने सबका फैसले को स्टैंड बाई रखा है और आप दोबारा से हाजी मोहम्मद अजमल चीमा के साथ हैं, कैसे देख रहे हैं इलेक्शन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहले भी हाजी अजमल चीमा साहब के साथ थे और इस इलेक्शन में भी हमने उनकी हमायत का ऐलान किया है। वो इसलिए कि वो एक अच्छे इंसान हैं और हमारे जो इलाके के दुख सुख में शरीक होते हैं, और अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो इस इलाके की तरक्की के लिए भी कोशां थे, लेकिन चूँकि मुल्की हालात के तहत ये इलेक्शन दोबारा सर पर आ गया है और इंशाल्लाह कल हम इनकी हमायत का एक बहुत बड़ा आलीशान जलसा मुनक़िद कर रहे हैं और धनौला की तारीख का इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा होगा। ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने देखा कि जिस तरह से वो पहले हुकूमत का हिस्सा थे और अब उन्हें छोड़कर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आए हैं, क्या आप समझते हैं कि अब जो मुस्लिम लीग की यहाँ अक्सरियत है धनौला में, चूँकि धनौला के लोग जो हैं ज़्यादा जहाँ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पसंद करते हैं, इस वजह से आपने उनका साथ दिया है, या आप समझते हैं कि उनके साथ ज़ाती तल्लुकात की बिना पर आप स्टैंड? जी एक बात मैं आपको बता दूँ कि वो अजमल चीमा साहब जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में आए थे, और उन्होंने ज़ाहिर आज़ाद कैंडिडेट वही जीता है जिसका किरदार अच्छा हो, जो लोगों के दिलों में बसता हो। और रही बात अब नून लीग के हलके की, तो अब वो नून लीग की टिकट पे आए हैं, अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सोने पे सुहागा हो गया है, और इंशाल्लाह वो जहाँ से बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे, और हम सनम ग्रुप के इंशाल्लाह बहुत भरपूर कोशिश में हैं कि एक तारीख साथ यहाँ से इनको रिजल्ट दें। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले इलेक्शन में जो इलेक्शन हुआ था उसमें सबसे पहले यहाँ हाजी मोहम्मद अजमल चीमा की जो हमायत की गई थी, उनकी हमायत का ऐलान किया गया था, या उनके साथ 2018 का इलेक्शन जो है वो लड़ने के हवाले से कहा गया था, तो चेयरमैन सनम ग्रुप हाजी अरशद अली सनम ही वो वाज शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले उनका यहाँ जलसा करवाया और उनके साथ का ऐलान किया। ये भी बताइएगा दोस्तों को, अब क्या कहेंगे कि जलसे में कितने बजे पहुँचे? 9 बजे शुरू होगा, 10 बजे एग्जैक्ट टाइम में किस वक्त आप कॉल दे रहे हैं कि दोस्त भरपूर अंदाज में जलसे में पहुँचे? जलसे का टाइम जो है तकरीबन वो 9:30 बजे शुरू होगा। दोस्तों को जो हमने कॉल दी है वो 9 बजे दी है, चूँकि इशा की नमाज़ का टाइम आता है, तमाम दोस्तों को दावत दी है कि वे 9 बजे जहाँ पहुँचे 9:15 बजे नमाज अदा करें, उसके बाद इंशाल्लाह 9:30-10 बजे जलसा शुरू हो जाएगा। और हम मौजूद मेहमानों से भी यही गुजारिश है कि वो भी वक्ती पाबंदी करें, और इंशाल्लाह जो हमारे दोस्त हैं वो भरपूर अंदाज में इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं। इसलिए बताइए, ये जो इलेक्शन है ज़िमनी इलेक्शन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होने जा रहा है या अजमल चीमा और अफजल साई होने जा रहे हैं? देखें जी, अगर हम बात करते हैं इस हल्के की, इस इलाके की, तो ये जो मुकाबला होने जा रहा है ये अजमल चीमा साहब और अफजल साई के दरमियान होने जा रहा है, अली अफजल साई के दरमियान में होने जा रहा है। तो ये कैसा मुकाबला कैसा देंगे? देखिए ज़ाहिर, हमने तो अपने कैंडिडेट को ही जितवाना है ना, हमें तो नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह हमें 100% नज़र आ रहा है कि हमारा कैंडिडेट विन कर गया है। बाकी ये 17 तारीख को फॉर्मेलिटी का इलेक्शन होना है, इंशाल्लाह हल्के की आवाम जो इलाके का हमने सर्वे किया है, अपने इस यूसी का जो हमने रिज़ल्ट देख रहे हैं, इंशाल्लाह बड़े मार्जिन के साथ इनको यहाँ से जितवाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप चेयरमैन सनम ग्रुप हाजी अरशद अली सनम की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि इंशाल्लाह उनके जो उम्मीदवार हैं हाजी मोहम्मद अजमल चीमा वो बड़े मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे। मैं आपको ये आगाह करूँ कि धनौला में भरपूर अंदाज में जो है इलेक्शन कंपेन जो है वो की जा रही है, हाजी मोहम्मद अजमल चीमा जो हैं उनकी कंपेन के हवाले से चेयरमैन सनम ग्रुप हाजी अरशद अली सनम जो हैं वो बिल्कुल सरगर्म हैं, शब रोज़ जो है इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ नौजवानों की बड़ी फैन फॉलोइंग उनके साथ है, बहुत ज़्यादा वोटर और सपोर्टर जो इस इलाके से हैं वो हाजी अरशद अली सनम साथ हैं, भरपूर अंदाज में वो कंपेन कर रहे हैं। उनका कहना है 17 तारीख को जो इलेक्शन है वो फॉर्मेलिटी जो है वो भी पूरी होगी, और वो पहले से एडवांस बता रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो विन करेंगे। जी